हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले ग्रीन पावर शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है ओरियन ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर का जानने वाले हैं रिटर्न, शेयर होल्डिंग्स, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक्स पर। हम लोग पहले रिटर्न देखेंगे, ठीक है फ्रेंड, लास्ट में जानेंगे हम लोग फंडामेंटल्स। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग रिटर्न्स पे। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एक वीक में 5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, एक मंथ में 20% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ में 28% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में 44% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 2 साल में 274% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 साल में 301% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 5 साल में 47% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। इसने सिर्फ एक ही नेगेटिव रिटर्न दिया है फ्रेंड, वो भी 6 मंथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ रिटर्न्स को देखा, अब हम लोग एक बार शेयर होल्डिंग्स को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। शेयर होल्डिंग्स की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास 32.53% की होल्डिंग है, आपकी FII के पास 0.01% की होल्डिंग है और DII के पास 3.58% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 63.88% की होल्डिंग है। तो हमने होल्डिंग को भी देखा फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग चार्ट पे। देखिए लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, आपको अभी फ्लैक्चुएट होते हुए दिखेगा, देखिए फ्लैक्चुएट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो डे कैंडल मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है, तो मैं शॉर्ट टर्म पे आपको टारगेट बताने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 11 रुपये 65 पैसे का, सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 13 रुपये 15 पैसे का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 14 रुपये 75 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की। तो इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 10 रुपये 30 पैसे का, इसका जो सेकेंड स्टॉप लॉस होगा वो होगा 9 रुपये 70 पैसे का, और इसका जो थर्ड स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा 9 रुपये 5 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने शॉर्ट टर्म पे टारगेट और स्टॉप लॉस को जाना अभी। अब हम लोग लॉन्ग टर्म पे जानेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली या मंथली कैंडल का यूज़ करेंगे, तो मैं यूज़ करूँगा वीकली कैंडल, ठीक है। वीकली कैंडल का चार्ट मैंने सेट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए वीकली कैंडल पर इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 15 रुपये 35 पैसा का, ठीक है। सेकंड जो इसका टारगेट होगा फ्रेंड वो होगा 23 रुपये 90 पैसा का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 37 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 7 रुपये 50 पैसे का, 7 रुपये 50 पैसे का इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा। सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4 रुपये 60 पैसे का, और थर्ड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2 रुपये 25 पैसे का, 2 रुपये 25 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे ग्रीन पावर का टारगेट और स्टॉप लॉस जाना फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं इसका फंडामेंटल्स, ठीक है फ्रेंड, जिसमें न्यूज़ और इवेंट्स वगैरह होंगे। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसका पूरा नाम शो हो रहा है, ओरियन ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये एक स्मॉल कैप का शेयर है, और इसके मार्केट कैप की बात की जाए 751 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की बात करें 4.007 लाख इसका शेयर होल्डर्स है। मंथली रिटर्न की बात करें तो 8% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। ईयरली रिटर्न की बात करें 39% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, और 52 वीक हाई की बात करें 13 रुपये 25 पैसा है, 52 वीक लो की बात करें 6 रुपये 85 पैसा है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग चलते हैं इवेंट्स देखने। तो अब हम लोग देखेंगे इवेंट्स। इवेंट्स की बात करें फ्रेंड तो 13 जून को इसका इवेंट जो है अनाउंसमेंट हुआ है, यहाँ पे अपडेट आपको दिख रहा होगा, आप रीड मोर में जाके इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग दरअसल मेरा फोकस न्यूज़ पे रहता है, अब हम लोग न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ की बात करें फ्रेंड तो इस शेयर पे कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्योंकि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।